पुत सह आई जांदा तेन सांस पूरा आवे सांस नहीं आवे सांस तो आता होगा आज भले ही हम चांद पर पहुंच चुके हों लेकिन अंधविश्वास को काटने और दूर करने की हम अभी तक कोई दवा नहीं खोज पाए हैं और इसका खामियाजा हमारे देश में आज भी कई लोग भुगत रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर आपके सामने है, जमीन में रेत के नीचे गड़ा ये बच्चा भी उसी अंधविश्वास की सजा भोग रहा था। राजस्थान में जहाँ तापमान 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, रेत आग उगल रही है, ऐसे में इस बच्चे को उसी रेत के अंदर डाला गया है। बच्चे को सांस नहीं आ रही, लेकिन उससे पूछने वाला अब तक कोई नहीं था। उसे उसी रेत के अंदर खाने के लिए दिया जाता था और घंटों तक वहीं दफना कर रखा जाता था, और ये सब सिर्फ अंधविश्वास के नाम पर किया जा रहा था। सांस आवेगा बेटा तने ओ खावे खावे एक मिनट पूछन तो दियो यार बाबा एदा ए लाज करी जंदे आ इस तरह इन नप के पुत सह आई जांदा तेन सांस पूरा आवे सांस नहीं आवे सांस तो आता होगा इतना तो कोई नहीं आता तो दोस्तों मेनू ऐ नहीं समझ आई जांदा गा भी ये किस तरह का इलाज है। बाबा जी इनू प्रॉब्लम की है मुंडे नू चलता नहीं है चलता नहीं है इसके प्रॉब्लम ये है इसका पूरे शरीर का कोई भी अंग सही नहीं है। अच्छा सिर्फ ये उंगलियां यहाँ तक इतना हिस्सा चलता है ये भी ये दो उंगलियां यूज करता है पकड़िए इसने पकड़िए कटोरे को पकड़ के दिखा पकड़ कटोरे काट के दिखा एकदम चला के भी दिखाऊंगा सारी काम करके दिखाऊंगा काट दे एक बार तू। ये सर ये जो खड़े श्री महाराज है यहाँ पर समथिंग 15-20 साल से है कोई तपस्या कर रहे हैं और हमारे यहाँ जून में हमेशा ही यहाँ पे वो तप करते हैं और इस मामले को मेरे को ध्यान नहीं था। कल ही मेरे को पता चला था अपनी राज्य सरथानी से मेरे को फ़ोन आया था तो मैंने जैसे ही वहाँ पे मैं गया तो बच्चे को दबा तो नहीं रखा था बच्चा वहाँ बैठा था और आगे खरबूजे वगैरह फल वगैरह दे रहे थे तो मैंने ऑडियो इसका वीडियो देखा था तो फिर मैंने उनको बोला ये कारनामा आप कब से करने लगे अगर ये आप करोगे तो फिर हॉस्पिटल तो सब फेल हो जाएंगे क्योंकि अगर डिग्रीधारी जब अपने पास डॉक्टर है तो इस प्रकार का इलाज कराने से क्या संभव है कल को बच्चे को हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। इलाज के नाम पर अंधविश्वास का दिल को दहला देने वाला मामला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ से सामने आया है जहां तांत्रिक बाबा ने इलाज के नाम पर दिव्यांग बच्चे को तपते रतीले धोरों में दबाए रखा। तांत्रिकों की इस करतूत को जागरूक लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मिट्टी में दबे इस मासूम के साथ ये सब बीमारी ठीक करने के नाम पर किया जा रहा है। हरियाणा के पानीपत जिले के परढ़ाना गांव का रहने वाला 8 साल का दिव्यांग बच्चा सेरिब्रल पल्सी बीमारी से ग्रस्त है। इस लाइलाज बीमारी से परेशान परिजनों ने 8 महीने पहले बच्चे को सूरतगढ़ के जगन्नाथ महाराज नामक बाबा को इलाज के लिए सौंप दिया था जिसके बाद से ही बाबा इस बच्चे का इसी तरह से इलाज कर रहे हैं जिसे परिजन बेखबर थे। लेकिन हैरानी तब हुई जब परिजनों को इन सब चीजों के बारे में पता लगा और उन्होंने फिर भी बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। इसके बारे में मैं किसी तरह का कमेंट नहीं कर सकता लेकिन जो बच्चे के पेरेंट्स से बात हुई उन्होंने कहा कि सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट है बच्चे को देख लिया हमने सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट है जो जन्मजात विकृति है जिसमें बोलने में सक्षम पूरी तरह नहीं है हाथ पैर इसके बिल्कुल लॉक थे और उनके कहने के मुताबिक ये इसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता था लैट्रिन पेशाब भी बीच में ही करता था और लगभग 8 माह से ये यहाँ बाबा के पास है। बाबा एक तरह से इसको कोई फिजियोथेरेपी की तरह इसको चलाना सिखा रहा था बीच बीच में कोई तेल मालिश करता था कोई तो अब ये खड़ा होने लगा इसको हाथ पकड़ के खड़ा होने लगा ये उसके घर वालों ने इस तरह लेकिन अब इसके पेरेंट्स ये बात कह रहे हैं कि पहले ये बिल्कुल खड़ा होने में सक्षम नहीं था लेकिन आज ये बोल भी रहा है अभी मैंने उससे बात की है उसने अपना नाम बताया और खा पी रहा है अभी इसको बिस्किट खिलाए तो बिस्किट आराम से बैठ के खा रहा है। तांत्रिक बाबाओं की इस करतूत की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ही परिजनों को इसकी सूचना दी थी लेकिन जब पुलिस ने तांत्रिकों के खिलाफ शिकायत देने की बात कही तो परिजनों ने साफ इनकार कर दिया। अंधविश्वास में चूर परिजनों का कहना था कि तांत्रिक बाबाओं के इलाज से
उनके बेटे की हालत में सुधार आया है। एक वीडियो हमारे को अज्ञात स्रोतों से सामने आया था, तो उस अज्ञात सोर्सों से प्राप्त वीडियो की जांच कर रहे हैं और प्राइम ऑफिसी बच्चे के बयान लिए जाएंगे और उसका मेडिकल भी करवाया जाएगा। उसके पश्चात उसके परिजनों से भी तफ्तीश की जाएगी और उसके पश्चात मेहमानसार जो भी कोई कानूनी दायरे में आने वाली बात है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो तो महज एक रत्ती भर है, हमारे तो ये सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर इलाज के नाम पर इस तरह की यातनाएं पिछले 8 महीने से लगातार इस मासूम को दी जा रही होंगी तो उस पर क्या बीती होगी। बहरहाल परिजनों ने तो शिकायत से इनकार कर दिया है, लेकिन पुलिस फिर भी कानूनी किताबों को खंगाल रही है ताकि अंधविश्वास के नाम पर इस तरह की यातनाएं देने वाले इन बाबाओं पर कार्रवाई की जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद की रिपोर्ट।